Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. एक बार फिर स्क्रीन पर धमाल मचाने आएगी राधिका आप्टे और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सुपरहिट जोड़ी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे की जोड़ी फिल्म बदलापुर और मांझी द माउंटेन मैन में अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत चुकी है। अब एक बार फिर ये जोड़ी फिल्म रात अकेली है में नजर आने वाली है। इस फिल्म को हनीत रेयान निर्देशित करेंगे। कानपुर बेस्ड इस फिल्म में नवाजुद्दीन इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की भूमिका में नजर आने वाले हैं, जो एक हाई फाइल केस पर काम करते नजर आएंगे। इसी दौरान उनका किरदार राधिका आप्टे से मिलता है, जो एक छोटे से शहर के अमीर घर की लड़की है। फिल्म की शूटिंग लखनऊ और ग्वालियर में भी की जाएगी और 25 मार्च को इसकी शूटिंग शुरू होगी। इस फिल्म में हाल ही में श्वेता त्रिपाठी की एंट्री हो चुकी है। श्वेता त्रिपाठी इससे पहले हरामखोर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम कर चुकी हैं। श्वेता इस फिल्म में अपनी भूमिका की बात को कन्फर्म किए जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नवाज भाई के साथ एक्टिंग एक सीखने वाला अनुभव है, वो इस क्राफ्ट के मास्टर हैं और आपके साथ सेम फ्रेम में अपनी मौजूदगी भर से आपको बेहतर दिखा देता है। रात अकेली है को 1980 के दशक में सेट किया गया है। ऐसे में साफ है कि फिल्म की कहानी काफी मजेदार होने वाली है। साथ ही दर्शकों को फिर से राधिका और नवाज पर्दे पर एक साथ देखने को मिलेंगे। राधिका और नवाजुद्दीन सिद्दीकी आखिरी बार वेब सीरीज सेक्रेट डोम्स में नजर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।